यूपी के बिजनौर से है, जहां पर गश्त के दौरान वन कर्मियों ने लकड़ी से भरी पिकअप को तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं लकड़ी तस्कर चेकिंग के दौरान वन कर्मियों पर हवाई फायरिंग करते हुए कुछ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाबी हो गए। वन रेंजर अधिकारी विकास वरुण ने बताया है कि लकड़ी तस्करों में से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, बाकी कुछ उसके साथी फरार हैं। रेंजर विकास ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बिजनौर से ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। रात करीब हम लोग जो है गश्त पर थे, तो सुबह लगभग 4:35 पर हमें एक गाड़ी जंगल से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिसको रोका, हमने चेक किया। चेक करने से पहले उनकी तरफ से जो है फायरिंग शुरू हो गया, इधर से जवाबी फायरिंग हमारे द्वारा भी किया गया। जो है एक आदमी को पकड़ा है अभी, और जब गाड़ी को चेक किया तो उसमें यूकेलिप्टस की सरकारी लकड़ियाँ भरी हुई थी, जिसको बरामद करके लकड़ी और अभियुक्त को रेंज कार्य ले आए हैं, और जो अभियुक्त है उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।